What's up people, it's me Mzain, you're watching HDRX, welcome back to the channel, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, enjoy कर रहे होंगे और हम देखने वाले हैं छगन विलोगर प्लाज्मोफोबिया IRL, ये क्या सीन है। अच्छा लिखा हुआ है आई एक्सप्लोर द मोस्ट हॉन्टेड अबेंडेंट हाउस टमेलो हाउस। ओके ये कोई है, कोई लोकेशन है। और ट्रिगर्ड इंसान के चैनल से वीडियो हमें रिक्वेस्ट आई हुई थी छगन विलोगर हॉन्टेड वीडियो की, तो आइए देखते हैं कि कहाँ पे एक्सप्लोर किए, किस तरह का किया। और प्रगति की तरह एक्सप्लोर तो नहीं किया कि आधे से ज़्यादा टाइम प्रगति जो है वो उसकी ओवर एक्टिंग ही ख़त्म नहीं होती। तो शुरू करते हैं, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो और इकट्ठे बैठ के ये इंजॉय करते हैं 3, 2, 1 एंड। जगह तो अच्छी दिख रही है बाहर से। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम डिमेलो हाउस, इसको रेनोवेट करें, बिल्कुल तुम बिलीव करोगे, एक चलती फिरती मूविंग सड़क पे है जिसपे इतना ट्रैफिक चलता है, लेकिन इसके अगर तुम पीछे को आते हो तो तुम्हें देखने को मिलता है ये भूतिया घर। भाई आई एम नॉट इवन किडिंग, मतलब यहीं से देख के डर लग जाए बंदे को। वहां पे ना अभी हम अंदर अगर जाते हैं, हमारी इतनी हिम्मत हुई तो वहां पे ना ग्राफिटी सी बनी हुई है, पेंटिंग बना रखी है किसी ने, जो कि लेजिट इतनी ज्यादा स्केरी लग रही है, पैट्रिक स्पंजबॉब वगैरह उन सब की ड्रॉइंग सी बनी हुई है। एंड बाहर ही अगर तुम देखो तो एकदम ये ग्रीन ग्रीन सी पूरी सड़ चुकी है क्योंकि इतनी पुरानी बिल्डिंग है, ह्यूमिडिटी है ना। और ओ माय गॉड तो बाहर से देख के पट रही है, क्या हुआ। ओ भाई साहब, वहाँ पे तो लाइट भी नहीं है बिल्कुल भी। अभी तुम्हारा घोस्टबस्टर छगन जो है वो अंदर जाने वाला है। एक बच्चा जो है साइकिल पे हमारे बिल्कुल सामने देख रहा होगा, इससे कुछ बात बात करूं मैं। और बच्चा चल पड़ा। अरे चला गया, मैं सोचा बात करेगा। अच्छी लोकेशन, चला गया, पहले चला गया। चलो फिर अब वो करते हैं जिसके लिए आए हैं, एक बार फ्रंट व्यू इसको रेनोवेट करें ना, बेहतरीन स्पॉट बन जाएगा ये। यहाँ पे जो है ना भूतिया जगह है, दिखने में भी भूतिया हो जाता है। क्या लॉजिक है कोई इस बात का, भूतिया जगह है तो भूतिया ही होगी ना। चलो अंदर जाके देखते हैं, दिखाओ भाई एंट्रेंस कहाँ है। कन्वीनियंटली एकदम सीढ़ियां बनी हुई हैं एंड सीढ़ियां चढ़ के वेरी कन्वीनियंटली आई एम जस्ट गोइंग टू गो इनसाइड द भूतिया घर। अच्छे काफी पुराना डिजाइन लग रहा है। ओके लोगों ने क्या लिखा है। भाई किसी ने फॉर रियल यहाँ पे योगेश लव्स आस्था लिखा हुआ है। योगेश भूतिया जगह पे तेरे को पक्का छोड़ेगी, साले भूतिया घर में आस्था का नाम लिख के आ रहे हैं। योगेश और आस्था यहाँ क्या करने वाली है, फॉर रियल आस्था छोड़ देगी इसको। यहाँ पे किसी ने हा हा लिखा हुआ है, मेरे को भूतों से डर लगता है तो मैं भूतिया घर में जाके हा हा लिख के आता हूँ। आई गेस ये जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे मतलब इस जगह को एक्सप्लोर करने के सोच के जगह हॉन्टेड है, दे आर लाइक अबे क्या है, भूतिया 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 के नाम पे कुछ नहीं है। एंड फिर वो ऐसी ड्रॉइंग पेंटिंग बना जाते हैं अपने आप को कूल दिखाने के लिए, कूल भी तो दिखना है। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं घर के अंदर जाने वाला हूँ, बिल्कुल गायब है। एंड फर्स्ट थिंग जो मेरे को घर के अंदर घुसते ही दिखती है वो है इसकी टूटी हुई छत। रेनोवेट पे बड़ा पैसा लगा, खुल रखी है पूरी की पूरी क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा पुरानी ये जो बिल्डिंग, मतलब लकड़ी वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट हट चुका है। एक अजीब सी स्मेल है जो कि घर के बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन घर के अंदर काफी ज्यादा स्मेल है। एंड जमीन अगर आप देखो यहाँ पे बच्चों की चप्पलें पड़ी हुई हैं, जो प्रोबेबली यहाँ पे सफाई की रहते हो या फिर कोई आया हो एंड वापस ही ना गया हो। थोड़ा सा अंदर इस कमरे में जाने की मैं हिम्मत करता हूँ क्योंकि ये कमरा लेजेंड स्केरी लग रहा है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं है। बाहर एक्चुअली काफी ज्यादा लाइट थी लेकिन इस कमरे में बिल्कुल भी लाइट नहीं है। लेकिन घोस्ट बस्टर छगन नाम ऐसे थोड़ी ना दिया है हमें किसी ने, किसने दिया। पहले तो किसी ने दीवार पे यहाँ पे पता ही नहीं क्या बना रखा है, डोरेमोन आई थिंक, और ऊपर लिखा हुआ है राक्षस, राक्षस लिखा हुआ है, डोरेमोन की ड्रॉइंग बनाई हुई है। वेरी बैड, वेरी बैड। इधर पीछे कमरा है, इस वाले कमरे में चल के देखते हैं। वो दिखा ना वो वाली पेंटिंग अच्छी थी, ये काफी पुराना लग रहा है मुझे। टिमेलो हाउस इसको सर्च करेंगे, प्रीटी कूल यो, कंस्ट्रक्शन बहुत पुरानी है।
नॉर्मल सा कमरा है टूटी छत के साथ। यार भूतिया घरों में लोग एक्सप्लोर क्या करने आते हैं, मतलब यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, ये एक्सप्लोर करने आया था, ओ कुछ भूतिया होगा तो। भाई कमरा है टूटा हुआ कमरा है और आगे भी एक कमरा। ये क्या लिखा है, ब्लैक डेविल। प्रैंक हो गया आपके साथ, ऐसा कुछ होना चाहिए था बट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है क्या। इफ देर आर एनी घोस्ट नियर बाय प्लीज गिव अस अ साइन। प्लाज्मोफोबिया ही खेल लेते हैं शायद कुछ फायदा हो। इफ देर आर एनी घोस्ट नियर बाय वो वाला सामने जो बना रखा है प्लीज गिव अस अ साइन। ये दिखाओ, गिव अस अ साइन। क्या बनाया हुआ है, साइन था ये, ऐसे लग रहा है ज्यादा ज्यादा बना के गए मिस्टर डिमेलो। भूत को उसके नाम से बुलाओ तो भूत जो है वो गुस्सा होते हैं या फिर कभी कभार अपने आप को शो कर देते हैं, रिप्लाई भी कर देते हैं। मिस्टर डिमेलो, ये मिस्टर डिमेलो ने मेरे ख्याल से ये सारी ग्राफिटी की है। प्रीटी कूल, वेरी नाइस ग्राफिटी फ्रॉम मिस्टर डिमेलो। वहां पे पीछे मिस्टर डिमेलो की भी शक्ल बना रखी है किसी ने। हाँ ये मिस्टर डिमेलो तो काफी हैंडसम रहे होंगे अपनी जवानी में। मिस्टर डिमेलो मैं आपसे मिलने आया हूँ, आई एम छगन व्लॉगर, आई एम अ घोस्ट बस्टर, मैं पता लगाने आया हूँ कि क्या इस जगह पे सच में भूत है। तो मिस्टर डिमेलो अगर यहाँ पर सच में कुछ है तो प्लीज शो योर सेल्फ। दीवारों पे जो है ना लोगों ने मिस्टर डिमेलो यहाँ पे मिस्टर डिमेलो तो मिले नहीं लेकिन संकेत को यशनती शायद जरूर मिल जाएगी। एक यार ये मैं सही कह रहा हूँ, यहाँ पे डेट मारने आते होंगे करने से जो है जिनको कहीं जगह नहीं मिलती होगी वो डिमेलो। घूम घाम के हम फिर से वापस मेन हॉल में आ गए। तो आई थिंक ये जितने भी कमरे थे इधर राइट साइड को घूम के हम सारे आ चुके हैं। आई थिंक इधर पीछे एक बार चल लेते हैं, थोड़ा सा वो जंगल वाला एरिया है, थोड़ा स्केरी है। एंड इधर वाला जो कमरा है यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है लेकिन उस कमरे के पार एक घर है जिसमें एक आंटी दिख रही है, वहाँ पे घर है। आंटी ने कंप्लेन कर दी। आई एम अ ह्यूज फैन मिस्टर डिमेलो, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, काफी कुछ पढ़ा है आपके बारे में। तो मिस्टर डिमेलो अगर आप यहाँ पर हैं, भाई गॉड अगर किसी में हिम्मत है उस कमरे के अंदर जाके दिखा दे, इस कमरे के अंदर जाके दिखा दे। मैं कह रहा हूँ यहीं पर मिस्टर डिमेलो। अच्छा अंकल जी बोल रहे हैं साइड से, भाई मिस्टर डिमेलो सच में रिप्लाई देने लग गए। एक्चुअली दो मिस्टर डिमेलो थे तो हमको पता नहीं है कि कौन सा वाले मिस्टर डिमेलो। एक्चुअली जो मिस्टर डिमेलो की डेथ पहले हुई थी वो वाले मिस्टर डिमेलो का भूत यहाँ पर माना जाता है कि है। मिस्टर डिमेलो सीनियर बोल के देखते हैं, मिस्टर डिमेलो सीनियर, मिस्टर डिमेलो सीनियर की बात है यार, कोई बैट नजर नहीं बोलते। इस कमरे के अंदर घुस रहा हूँ मेरा, ये तो पूरा भाई छत गिरी हुई है। वो देखो सामने एक भैया जी हैं, उनको आवाज मारता हूँ, देखते हैं उनका रिएक्शन। हेलो भैया। अबे क्यों यार डरा रहे हैं उसको भाई, उनके डॉगी ना छोड़ दो हमारे ऊपर कसम से। ऑलराइट ओ शिट, ये तो ऐसे लग रहा है यहाँ पे कभी लटका होगा शायद। ये छत तो वैसे ही कमजोर है भाई, यहाँ ना खड़ो। ओके यहाँ पे पानी और कीचड़ कैसे है नीचे, एक्सप्लेन। ये घर अच्छा खासा बंद सा ही लग रहा है तो यहाँ पे कीचड़ होना वेरी वियर्ड। एंड आज तो बारिश भी नहीं हुई है पूरे दिन, आई नो। ऑल राइट, तो आगे वाला कमरा जो कि प्रोबेबली घर का लास्ट कमरा है यहाँ पे, ये तो बुराड़ी बन रखा है भाई, फुल तबाह है। मिस्टर डिमेलो सीनियर और जूनियर, इफ देयर इज एनीवन नियरबाय प्लीज बस एक साइन दे दो, वीडियो पे व्यूज आ जाएंगे। एक चमट लगा दो। मिस्टर डिमेलो जूनियर और सीनियर अगर कोई भी आसपास है प्लीज बस एक हल्का सा साइन दे दो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत बड़ा फट्टू हूँ, मैं भाग जाऊंगा कसम से, टट्टी निकल जाएगी मेरी, बस आप एक साइन दे दो, मैं उड़ के चले जाऊंगा और फिर से कभी परेशान करने नहीं आऊंगा। पानी की बोतल पड़ी हुई है, प्रोबेबली कोई यहाँ पे पिकनिक विकनिक करने आया होगा, बोतल छोड़ गया होगा आई थिंक, सुट्टा भी पड़ा हुआ है पानी की बोतल के साइड में आई थिंक। यही सबसे यही सबसे स्कैरी कमरा लग रहा था इस पूरे घर का, जिसको हम मेरे ख्याल से 10 मिनट तो हो गए हमें यहाँ पे, मेरे पसीने छूट चुके हैं, दीवार पे छिपकलियां सी दिख रही हैं मुझे, बहुत ज्यादा मच्छर मेरे पैर ऑलमोस्ट काट खा चुके हैं। ये दीवार पे क्या है, अबे भाई पुराने जमाने का स्विच है, मे बी सम इलेक्ट्रिसिटी स्विच। अगर किसी को पता है ये क्या चीज है तो कमेंट्स में ब्लैक कलर के ऐसे टिक आगे बढ़ते हैं। पहले वो गवर्नमेंट ऑफिसर रेजिडेंसी में रहते थे, वो 70-80 साल पुरानी होती थी उसमें। हाँ ये तो घर का बैक एरिया है, लाइक वरांडा टाइप ओपन है, भूत ओपन में नहीं होते तो यहाँ से तो चल ही सकते हैं। मैं सही कह रहा हूँ, इसको रेनोवेट करें ना, कमाल की जगह बन। Look at this tree. What a creatively unique, insane करिश्मा ऑफ द कुदरत। This is for real the last room and इसके बाद हमने पूरा घर कवर कर लिया है। एंड गोवा की मोस्ट
भाई भूतिया यहाँ पे, ये घर नहीं है, वो साइड वाले अंकल का डॉगी है, वो डरा रहा है। ओ, एक तरीका आया मिस्टर डिमेलो से रिस्पांस निकलवाने का, और अंधेरा भी हो रहा है, इट्स ऑलमोस्ट 7:15, तो मेरे पास एक आइडिया है, और इसके बाद आई एम प्रीटी श्योर हमें यहाँ से भागना ही पड़ेगा। तो बेसिकली जो असली मिस्टर डिमेलोस के बीच में लड़ाई स्टार्ट हुई थी, उसका रीजन ये था कि वो दोनों भाई जो है वो इस घर की पोजेशन हथियाना चाहते थे, राइट? मिस्टर डिमेलो सीनियर एंड जूनियर, अब ये घर मेरा है, इस घर का नया ओनर मैं हूँ। आ रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, कसम खुदा की तेरे कुत्ता नहीं बना दिया ना। भाई घर की एग्जिट कहाँ है? भाई घर की एग्जिट कहाँ है? अरे ये नहीं एग्जिट, अरे भाई घर की एग्जिट कहाँ है? अरे भाई घर की एग्जिट कहाँ है? एग्जिट, एग्जिट, ये तो एग्जिट नहीं है, घर की एग्जिट कहाँ है? क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह, कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। घर की एग्जिट कहाँ है? ओह माय गॉड, मिस्टर डिमेलो आ रहे हैं। नहीं सर, ये घर आपका ही है, मैं मजाक कर रहा था, मैं यहाँ पे सिर्फ व्लॉग बनाने आया था। माय नेम इज छगन व्लॉगर एंड दिस इज छगन व्लॉगर साइनिंग आउट, एंड मिस्टर डिमेलो सीनियर एंड जूनियर, आप इस घर में एंजॉय करिए एंड अपनी जिंदगी जिए। ओ जिंदगी, आई मीन हमें जो भी है वो जिए, चलते हैं भाई। ओके, तो ये था छगन व्लॉगर है, मोस्ट हॉन्टेड अबैंडेंड हाउस। एक बात मैं कहूँगा यार, ये घर बहुत कमाल का था, इसके इसकी जो फ्लोरिंग थी काफ़ी, मतलब कहते हैं ना पुराने वक्तों में बड़ा ये ज़बरदस्त किस्म का होगा, मेंशन टाइप होगा। तो इसको अगर मैं कहता हूँ जिस तरह का इसके आसपास एनवायरनमेंट है, मतलब ग्रीनरी है, फॉरेस्ट्री है, और इसका स्ट्रक्चर इट्सेल्फ खड़ा हुआ है, सिर्फ जो लकड़ी का पोर्शन है, जो लकड़ी वाला हिस्सा है वो डैमेज है, तो अगर उसको रेनोवेट कर दिया जाए, रेनोवेट कर दिया जाए, कमाल की जगह बन जाएगी, और यहाँ पे कोई फूड रेस्टोरेंट या कोई कॉफ़ी शॉप बना ली जाए, या और कुछ नहीं, रेनोवेट करके सिर्फ लोगों के घूमने के लिए एक स्पॉट बना दिया जाए, क्योंकि वैसे भी तो यहाँ लोग आते हैं, हैं वो तमाम जोड़े जिनको कहीं जगह नहीं मिलती, वो डिमेलो हाउस आते हैं, हमने दीवारों पर देखा। सही था, फनी भी था, एक्टिंग भी थी, शुगल भी था, लेकिन मज़ा आया, अटेंशन मेंटेन रही, ऐसा नहीं हुआ कहीं पे हमें बोरियत फील होने लगी हो, ऐसा कुछ नहीं था, तो मज़ा आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा आपको ये फील हो, हमें तो अच्छा लगा, और एक अलग साइड देखी हमने ट्रिगर की, तो मिलते हैं, सी यू गाइस।